के कारण किसी और को मौका दिया जाए। एबी फॉर्म जमा हो गया, एबी फॉर्म मेरी बेटी मौसम ने और हमारे अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री जी ने गौरी शंकर बिसेन के नाम का जमा किया है। बालाघाट से प्रत्याशी बार बार कभी बिटिया का नाम, कभी भाऊ का नाम, ये तो बालाघाट का जो माहौल है जो कांग्रेस के पक्ष में है 6 विधानसभा सीट। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मंत्री गौरी शंकर बिसेन ही होंगे, जिनके नाम से पार्टी ने एबी फॉर्म भी जारी कर दिया है, जिसे आज निर्वाचन कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन ने जमा कराया। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को बालाघाट विधानसभा में पार्टी ने मंत्री की पुत्री मौसम को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते पार्टी के निर्देश पर मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने बीते 26 अक्टूबर को अपना नाम निर्देशन फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी को जमा किया था। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बनने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। बिसेन ने नगर में विशाल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान मौसम ने बताया कि गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, चूंकि भाजपा ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए इस दौरान मौसम ने बताया कि गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, जिसके बाद में वह पिता गौरी शंकर बिसेन के साथ पहले की तरह चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। मैंने अपने नेतृत्व से आग्रह किया, मेरे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों के कारण किसी और को मौका दिया जाए। पार्टी ने श्री गौरी शंकर जी बिसेन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बालाघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन है। तो क्या उन्होंने आज फॉर्म भी भर दिया? क्या फॉर्म भर दिया? एबी फॉर्म भी जमा हो गया। तो पहले तो आपके नाम का एबी फॉर्म आया था? पार्टी की व्यवस्था है, जितना हमारी प्रक्रिया थी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिकृत तौर पर पार्टी ने घोषणा नहीं की। मेरे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों से मैंने विड्रॉ किया, मैंने स्वयं विड्रॉ किया। लेकिन पार्टी ने तो नहीं किया, पार्टी ने तो फिर प्रत्याशी को घोषित नहीं किया, एबी फॉर्म भेज दिया। कितना असर पड़ेगा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा, सबको मालूम है गौरी शंकर बिसेन ने मौसम ही कही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की 230 सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां पार्टी ने टिकट दिया किसी को और प्रत्याशी कोई और बन गया। वहीं नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन ने विजय संकल्प रैली और आम सभा का आयोजन किया है, जिससे आज वह अपने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि पार्टी ने विचार विमर्श के बाद मुझे प्रत्याशी बनाया है। लाडली बहन योजना भाजपा के लिए नींव का पत्थर साबित हो रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में भी दुगना उत्साह का माहौल है। राज्य का और बालाघाट का हमने चौमुखी विकास किया है, वो सबके सामने है। बिसेन ने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। रैली आज आहूत की गई, जिसका आह्वान जिला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस रैली को मार्गदर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्टार प्रचारक सांसद एवं केंद्र के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर रैली आहूत की गई। बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे सीनियर हों, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज या उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये प्रतीकात्मक है। अब हमारा कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक जाएगा और 17 तारीख के मतदान में भारतीय जनता पार्टी विजय से प्राप्त करे, इसे तो जनता का पुनः आशीर्वाद प्राप्त करे। अभी तक कौन है? एबी फॉर्म जमा हो गया, एबी फॉर्म
मेरी बेटी मौसम ने और हमारे अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री जी ने गौरी शंकर बिसेन के नाम का जमा किया है और अब कोई संशय की स्थिति बची नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अंत में सारे विचार उपरांत मुझे 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। महबूब नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, कितना टफ रहेगा? अब देखिए, इसके पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव सदैव टफ ही होता है और उसको हम चुनौती के प्रति स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रही हैं तो हमारे कार्यकर्ता में भी दुगुना उत्साह है। लाडली बहना योजना आज नींव का पत्थर साबित हो रही है। राज्य का जो हमने चौमुखी विकास किया, जनता का कल्याण किया है, और बालाघाट का जो चौमुखी विकास हुआ सबके सामने आज उसके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र को छोड़ दिए, बदल दिया गया, भाग रहे हैं, कांग्रेस के बात का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? आप स्टार प्रचारक भी हैं, कितने सीटें वाले? अब देखिए, बालाघाट में 3-6 विधानसभा क्षेत्र हैं। चूंकि मुझे प्रत्याशी बना दिया गया है तो ऐसी स्थिति में मैं कहां तक दूसरे क्षेत्र में जाने पाता हूं तो समय बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अब की बार पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी। प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने कहा कि कभी बेटी तो कभी पिता को टिकट की बात सामने आ रही है, जिससे लगता है कि भाजपा में भय का माहौल है। ये कांग्रेस पार्टी का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई उल्लेखनीय उनकी कार्य नहीं है जो वो बयां कर सके, बता सके कि हमने किया है और बहुत मजबूती के साथ। और उनको दिख रहा है कि सामने कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है, हमारा संगठन एकजुट है और परिवर्तन इतना बहुत मजबूती के साथ होने वाला है। तो ये सब चीज़ों से इनको भारी घबराहट हो गई है। तो मैंने तो पहली बार देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि एक राष्ट्रीय पार्टी में इतना असमंजस है कि कभी बेटी को टिकट घोषित हो जाती, इनको टिकट मिल जाती, उसके बाद पिताजी फॉर्म भर देते हैं और फिर रात को ये खबर आती कि नहीं नहीं बेटी ही फाइनल है। तो ये डर है, भय है, घबराहट है कांग्रेस पार्टी की। बालाघाट से प्रत्याशी बार बार कभी बिटिया का नाम, कभी भाऊ का नाम, ये तो बालाघाट का जो माहौल है जो कांग्रेस के पक्ष में है 6 विधानसभा सीटों के लिए, और उसके बाद बालाघाट में जो अनुभव मुंजारे जी हैं उनका डर और उनका भय जो बार बार प्रत्याशी का नाम बदला जा रहा है। देख रहे हैं बालाघाट खबर।